तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गुग्रं श्रामिः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य आशीष डंगवाल और आप देख रहे हैं हमारा एसटी योगी चैनल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2020 के राशिफल की, कि आपका जो ये मंथ है कैसा जाने वाला है आपके लिए, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दर्शकों, ये जो राशि फल जिसकी शुरुआत जो है कन्या लग्न से हो रही है और कन्या लग्न का स्वामी यानी बुध पत्रिका के अंदर विराजमान है चौथे स्थान पर, यानी सुख के स्थान पर है। तो सुख के स्थान पर होना यानी कि सुख की वृद्धि होगी, क्योंकि ये बुध जो कुंडली के अंदर है गुरु के साथ में भी है, सूर्य के साथ में भी और शनि के साथ में भी है और धनु राशि का है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा थोड़ा मिक्स रहेगा, अच्छा भी है थोड़ा सा बुरा भी है। तो कहते हैं बुध का कोई अपना फल नहीं होता है, जो फल होता है दूसरे ग्रह के साथ में चल के ही वो अपना फल दिखाता है। तो यहाँ बात करते हैं तो लगन भी कुंडली का हमारा जो है ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा छठे स्थान पर जो है और वो भी जो है कुंभ राशि का है यानी शनि की राशि का है। तो शनि कर्मों का फल देने वाला ग्रह कुंडली के अंदर, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा रहने वाला है अधिक इसमें। अगर इसमें सभी राशियों वालों के लिए है उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से रहेगा। अगर बात करते हैं इसमें हम जो हैं शुक्र की, शुक्र जो कुंडली के अंदर है वो आपके पाँचवें स्थान पर इसमें रहेगा जो लग्न पत्रिका के हिसाब से है। तो फिफ्थ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर वो होता है विद्या का और हमारी मान सम्मान को बढ़ाने वाला। तो मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी इसमें, साथ साथ में जो है पराक्रम में मंगल बैठा हुआ है। तो इस साल का जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जो कि विशेष करके देखा जाए कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए है चाहे हमारे जॉब के लिए क्यों ना हो, उसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होती चली जाएगी। तो अभी पूरा अगर हम इसमें देखें तो ये जो पूरा मंथ का जो हमारा रहने वाला है एक महीने के लिए, इस मंथ में जो है काफ़ी प्रोग्रेस पर ही हम बात कह सकते हैं कि हाँ इसमें आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें रहने वाली है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए ये वाला मंथ जो है विशेषकर हम बात करते हैं हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के पर्पज़ से अगर देखें तो हेल्थ का स्वामी है कुंडली के अंदर आपका शुक्र, और शुक्र जो पत्रिका में जो बैठा हुआ है वो है आपके भाग्य के स्थान पर, जो कि आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो काराग्रह है कुंडली के अंदर वो बनता है इसमें आपका बुध, और बुध पत्रिका के अंदर जो है अष्टम में है। थोड़ा सा शिक्षा के लिए आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो अष्टम भाव में है और इसमें जो है आठवें स्थान के अंदर ग्रहों का जो विशेष करके चार ग्रहों के साथ में ये बैठा हुआ है, तो इसका जरा मिला जुला असर रहने वाला है। आपको अपनी एजुकेशन पे, अपनी पढ़ाई पे विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई सफलता में बाधा ना आए आपके लिए। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो स्वामी है पत्रिका के अंदर वो बनता है आपका इसमें बुध, और बुध कुंडली में जो बैठा हुआ है वो एट्थ हाउस में यानी आठवें स्थान में। आठवां स्थान जो कुंडली का है थोड़ा सा अशुभ स्थान माना जाता है इसको, इस घर में आने के कारण थोड़ा सा इसको आपकी पढ़ाई के मामले में अड़चनें आ सकती हैं। आपको अपनी पढ़ाई में जो है विशेष का ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपका ध्यान बड़ा भंग होगा आपका, क्योंकि जो मन का कारागृह की बात करें चंद्रमा जो कुंडली के अंदर है वो भी थोड़ा सा आपको जो है वीक करेगा इस समय पे। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है आपने कि इसमें जो है कोई भी कमजोरी ना हो आपकी पढ़ाई में, और आपकी पढ़ाई में अच्छा मन आपका लगा रहे। प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम काराग्रह जो कुंडली के अंदर है वह है मंगल, और मंगल आपकी पत्रिका के अंदर स्वराशि का है। तो मंगल को कहते हैं मांगलिक कार्य कराने वाला ग्रह, अमंगल भी करता है और मंगल भी करता है। तो अगर पत्रिका में स्वराशि का बैठा हुआ है तो मंगल में योग है कुंडली के अंदर, कह सकते हैं आपके लिए कि बहुत जल्दी आपका जो है विवाह का योग, प्रेम संबंधों का योग वो काफ़ी अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। मंगल की स्थिति जो है अभी कम से कम कह सकते हैं कि इसमें आपको इस मंथ में और लगभग जो है 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश होगा उसके बाद जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको जो है आपके विवाह के जो योग हैं वो अच्छे खुलने शुरू हो जाएंगे, और कोई पुराना जो मित्र है आपका जिससे काफ़ी समय से थोड़ा खटपट हो रखी थी आपकी, वो भी आपकी जो है इसमें जो है मित्रता भी आपकी जो है काफ़ी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पत्रिका के अंदर पारिवारिक ग्रह कुंडली के अंदर जो आपकी सुख है कुंडली के अंदर सुख का स्वामी वो भी है पत्रिका में सूर्य। सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी
आगे आने वाले टाइम पे इसी मंथ के बीच से यानी कि 15-14 तारीख के बाद सूर्य काफ़ी भाग्य के स्थान में आने से आपको लाभ दिलाने वाला है। तो परिवार जनों से भी आपकी मित्रता संबंध अच्छे बनेंगे। जो भी एक मतभेद चल रहा था आपस में वो मतभेद इसमें मिटेगा और आपको विशेष करके आपको अपने जीवन साथी का काफ़ी अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, ये बात थी मासिक राशि फल की। अब बात करते हैं इस मंथ में पड़ने वाले त्योहारों की यानी पर्वों की। तो हमारा पहला पर्व यानी जो पड़ रहा है वह है मकर संक्रांति। ये आएगा 15 जनवरी को। वैसे तो ये 14 तारीख को आता है पर इस बार ये 15 तारीख को आ रहे हैं मकर संक्रांति। मकर राशि में यानी कि सूर्य का प्रभाव होना, सूर्य की संक्रांति होना। तो यहाँ से जो है सूर्य उत्तरायण में जाता है और उत्तरायण में जाने के बाद सूर्य का जो बल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सूर्य जो है अपना शुभ प्रभाव अच्छा दिखाता है और कहते हैं यहाँ से जो है देवी देवताओं का जो है पूजन करने से हमें जो है ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि 6-6 महीने के लिए पितरों की पूजा होती है और 6 महीने के लिए देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ से जो है एक इसकी जो है शुरुआत अच्छी खासी शुरू हो जाती है और विशेषकर जो भी विवाह के जो योग हैं वो भी इस वाले मकर संक्रांति के बाद ही खुल जाते हैं। इसके साथ साथ में जो है इसी मंथ में जो आ रही है 30 तारीख को वह है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में विशेष करके जो है माँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी है। तो इस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा करने से हमारे जितने भी जो हैं मन के जो विकार हैं वो हमारे दूर होते हैं, विद्या का जो है प्रवेश हमारे अंदर होता है। विशेष करके जो बच्चे अभी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ फल देने वाला रहता है। तो इसलिए जो है बसंत पंचमी भी आप इसमें जो है अच्छा मनाएँ और इससे विशेष करके माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। दर्शकों, यह मासिक राशि फल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी राशि के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं।